The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is the diet which you have to take for a gastric ulcer, stomach ulcer? Ye diet aapki gastroesophageal reflux disease mein bhi kaam karegi. Ye diet aapke stomach gastritis isme bhi kaam karegi. Ye bahut achhi important steps hai. Number one step. जब भी आप कोई खाना खाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना बहुत थोड़ा खाना है. सबसे बड़ा वर्ड है स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट. क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कब खा रहे हैं. रिमेंबर जब आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं, जब आप स्मॉल डाइट लेते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेते हैं, व्हाट हैपेंस. नंबर वन, आपके नॉर्मली क्या होता है, जब आप खाने के बारे में सोचते हो, जब खाने के बारे में देखते हो, जब खाने को सोचते हो, भूख लगती है तो आपके एसिड प्रोड्यूस होता है एंड दैट एसिड इज प्रोड्यूस एंड दैट कैन इरिटेट द अल्सर. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, योर स्टमक से, जब स्टमक में फूड होता है तो एसिड डाइल्यूट हो जाता है एक तरीके से, और वो एसिड डाइल्यूटेड एसिड के जो काम करना शुरू कर देता है तो इट हैज लेस टाइम, लेस एसिड एसिडिटी टू एक्चुअली इरिटेट द अल्सर, अल्सर को इरिटेट करना. So, खाने को 3 से 4 कभी बार 6 घंटे लगते हैं फूड को छोड़ने में. वैसे 3 घंटे में काफी हद तक फूड स्टमक के नीचे चला जाता है, तो आपने हर 3 से 4 घंटे में आपने 4 घंटे में खाना खा लिया. सो क्या होगा कि वेरी लेस टाइम होगा आपके स्टमक को एम्प्टी रहना. सो योर स्टमक विल बी ऑलवेज हैविंग सम फूड. अब इसके लिए बहुत ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा खाना खाएंगे एक साथ तो हर 4 घंटे में नहीं खा पाएंगे. इसलिए यू हैव टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट ताकि हर ज्यादा 6 घंटे में भूख लगे. दिस इज one of the key things which you can do to cure yourself, cure your GERD, cure your stomach ulcers, cure your acidity, cure your gas. Log kehte hain bhi mera treatment kiya isne phalana dhamkana, the treatment will be done by this. Ji ha, jo karega, jo lambe se lambe samay ki jo gas hai, lambe se lambe samay ke jo ulcers hain, isko ye theek kar sakta hai agar aap sirf small frequent diet follow kare. Number one biggest step ये है आपका. तो कितना खाना है, पेट नहीं भरना है, 4 रोटी नहीं खानी, 6 रोटी नहीं खानी, 1 रोटी खानी है एक टाइम पे, सब्जी खानी है और फिर रुक जाना है, बाकी बाद में खा लेंगे, बाकी 4 घंटे के बाद खा लेना, फ्रिज में रख लो, गर्म करके खा लेना या फ्रूट्स खा लेना, सलाद खा लेना 4 घंटे के बाद, नो टेंशन. कुछ नहीं मिला तो दूध दही पनीर लस्सी छाछ कुछ भी ले लेना, बट देन यू हैव टू टेक समथिंग एवरी 4 to 6 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू, ये किया एक तो आपका एक से ही ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं भी हुआ तो दूसरा कर देगा. नंबर टू, दूसरा बहुत ही जरूरी फैक्टर है, डबल च्यू करना है. जो चबाते हैं आप खाने को उसको डबल चबाएंगे. कभी ऐसा होता है क्या कि आपका पैर टूटा, हड्डी टूटी तो आप उस पैर से ज्यादा चलने लग गए, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. आपके हाथ में चोट लगी तो अब मैं इस हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, नहीं होता ना, नहीं होता. तो अगर आपका स्टमक बीमार है तो स्टमक का काम हल्का करिए, खाना निगलो मत, खाना पेट में जाके गले, इससे अच्छा उसको और चबा चबा के खाइए, उसको यहीं चबा चबा के अच्छे से गला गला के अंदर भेजिए ताकि आपके पेट को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तब जाके वो हील होगा. सोचो, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ठीक होंगे भाई साहब. ये कोई एलोपैथी आयुर्वेदी नहीं है, ये डाइट है, ये सिंपल बेसिक है, ये 2 चीजों के एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो पहली चीज स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, सेकंड चीज चबा चबा के 2 गुना चबाइए, 32 नहीं है 60 बार चबाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चबाते जाइए, पूरा वहां जूस बना दीजिए. इसीलिए बोला जाता है ड्रिंक योर फूड एंड क्या बोलते हैं, ईट योर ड्रिंक्स, ऐसे बोलते हैं, राइट. ड्रिंक योर फूड क्यों बोलते हैं, इतना चबा चबा के खाओ कि वो पानी बन के अंदर जाए, राइट. That is one important thing. दो, तीसरी सबसे important चीज है पानी. पानी कब पीना, क्या पीना, कैसे पीना, कैसे पीना तो कुछ नहीं है, quite frankly उठ के बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ता. कब पीना, 1 घंटा पहले, 2 घंटे बाद, 1 घंटा पहले, 2 घंटे बाद खाना खाने के. तो बहुत सिंपल है, हर 4 घंटे में खाना खाया है तो 1 घंटा पहले पानी पी लिया, 2 घंटे बाद पानी पी लिया, कितना, 1 गिलास 2 गिलास 1 गिलास 2 गिलास 1 गिलास 2 गिलास, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. That's the idea. पानी बहुत जरूरी है, पानी रहेगा तो सही रहेगा, राइट.
तो ये तीन चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका स्टमक हील हो जाएगा। इवन नीचे की नीचे वाले गैस्ट्राइटिस, इवन सबसे नीचे वाले कोलोन, इसोफेजाइटिस तो है ही, कोलोन की बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपके क्रॉन्स डिजीज, आपके नीचे की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाते हैं भाई साहब इससे। जी हाँ, चौथी चीज जो आपको बहुत जरूरी रखनी है वो है दही, योगर्ट। जी हाँ, योगर्ट आपको खाना पड़ेगा, प्रोबायोटिक आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ ऑफ योर गट्स। फोर्थ, पांचवी चीज जो आपको करनी है वो है फाइबर। फाइबर इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी, वेरी वेरी गुड फॉर योर स्टमक, इंटेस्टाइन्स, योर होल डाइजेस्टिव ट्रैक। तो फाइबर चाहिए, तो फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, कम से कम दिन में आधा किलो खाइए। आधा किलो नहीं खा सकते हैं तो इसबगोल ले लीजिए। इसबगोल को दिन में दो बार या तीन बार दही में डाल के खाइए। इसबगोल इज राइस ब्रान, भूसी। जोर से बोल रहा हूं, गला थोड़ा ड्राई हो गया। एनीवेज, सो दैट्स द फाइव स्टेप्स। देन द सिक्स स्टेप इज टू अवॉइड थिंग्स। अवॉइड व्हाट? अल्कोहल, दारू पीने वाले दारू छोड़ दें, पेन किलर खाने वाले डॉक्टर से बात करें, पेन किलर ना खाएं। जो लोग पेन किलर खाते हैं वो एंटासिड लें, जो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं वो एंटासिड लें, जो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं वो प्रोबायोटिक भी लें, और पेन किलर ना खाएं तो बेहतर है, खाना भी है तो डॉक्टर से बात करके खाएं, डॉक्टर से बात करके। और अल्टीमेटली आपको चाहिए दवाइयां। सो पहले डाइट का समझ लेते हैं। डाइट का इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? हमने फाइबर ले लिया, हमने पानी ले लिया, हमने दही ले लिया, और हमें क्या नहीं खाना है? अल्कोहल और स्पाइसी फूड और फैट्स। हाँ जी हाँ, जब आप फैट्स ज्यादा खाते हैं तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा अमाइलेज लाइपेज, बहुत ज्यादा गॉल ब्लैडर वाला एसिड आता है जो स्टमक के नीचे अल्टेस्टाइन्स को इरिटेट करेगा। फैट्स ज्यादा खाने नहीं है, तला चिकनाई वाला दूध, घी, बटर, मक्खन, मलाई नहीं खाना है आपको, या कम खाना है, और तला चिकनाई वाला नहीं खाना है, बाहर का फ्राइड फूड नहीं खाना है, और पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। वजन कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद बहुत जरूरी है, आप इन सब बीमारियों में सबसे जरूरी छठी चीज है अच्छी नींद, बहुत ही आवश्यक है भैया। नहीं लोगे तो हमसे मत बोलना, ठीक हो, नहीं हो सकता। 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की, ये मजाक दिल्ली की नहीं है, इसमें जरूरी चीज है ये, ठीक है? तो डाइट वा में लाइफस्टाइल वा आता है, समझे? तो एक्सरसाइज करनी है 5-10 मिनट, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हंसना खेलना है बच्चों के साथ, बहुत जरूरी है, बच्चे नहीं है तो बगल वाले बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को पकड़ पकड़ के खेलिए, पर बच्चों के साथ खेलिए, ठीक है? तो ये करेंगे तो आपका स्टमक अल्सर ठीक हो जाएगा।